सो व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग कॉन्कर लॉबी गेम प्ले। सो गाइस देखो, ये नॉर्मल कॉन्कर लॉबी गेम प्ले नहीं है, ये वाला गेम प्ले ना टोटली लाइक एशिया टॉप 100 की लॉबी। इसमें दो तीन बंदे ना जो एशिया टॉप 100 के आने वाले हैं, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग ऐसी लॉबी को सर्वाइव कर सकते हो जो कि टोटली हार्ड लॉबी होती है ना। तो बेसिकली ना देखो, मेरे को जैसे पता चला कि ये लॉबी में भाई सब टॉप 100 के प्लेयर्स है, तो मैं लाइक जुट गया इसको सर्वाइव करने में, क्योंकि मेरे को डेफिनेटली पता था इस मैच में मेरे को अखंड लेवल का प्लस मिलने वाला, अखंड लेवल का। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब भी लाइक है ना ऐसी लॉबी आती है ना जिसमें फुल कॉन्कर प्लेयर्स हो या फिर है ना एशिया टॉप 100 की लॉबी आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि ना अपने को किल्स की जरूरत नहीं होती, उसमें अपने को जरूरत होती है सर्वाइवल की, कि किस तरीके से सर्वाइवल कर लो ना। लेकिन भाई ये वाला मैच इतना ज़्यादा हार्ड होता है ना कि जिसको सर्वाइव करना इतना आसान बिल्कुल नहीं था। मतलब आसान तो आप लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि एक तो देखो जोन मेयर पे नहीं बनता, एक ये जो क्या बोलते हैं ये क्या वेदर है ना, ये है स्मोकी वेदर, जिसमें भाई साहब चारों तरफ स्मोक हो रहे हैं। और क्या ही बोलूं, मेरा जो सर्वाइवल था ना एक नंबर चुम्मा ओपी सर्वाइवल था भाई, लिटरली मैं चुम्मा ओपी सर्वाइवल था। आप लोग देखना किस तरीके से मैं सर्वाइव करूंगा, और मैं आप लोगों को काफी सारी टिप्स देने वाला हूँ जिनसे आप लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हो। सो गाइस देखो, फर्स्ट टिप तो ये है कि जब भी आप लोग कोई कंपाउंड में जाओ ना, तो सबसे पहले चेक कर लिया करो, मतलब जैसे कि मैंने आपको टिप दे रखी है कि उससे सात फेरे ले लिया करो, और उसमें देख लिया करो कि गेट वेट खुले कि नहीं खुले। तो जैसे गेट वेट खुले हो ना, तो भाई निकल लो पहले उधर से, क्योंकि देखो कई बार बॉट भी खोल देते हैं, लेकिन जब ज्यादा गेट खुले हो ना तो इसका मतलब समझ जाओ बहुत ज्यादा बंदे हैं। एंड बेसिकली देखो, मैं आप लोग को बीच का एरिया दिखाकर बोर नहीं करना चाहता, मैं सिंपली आप लोग को लेकर आ गया हूँ एंड जोन में, बिल्कुल एंड जोन में, लिटरली मैं कतई जो एंड वाला सर्किल होता है ना वो वाले जोन में। और यहाँ से जो चीज़ें होने वाली ना भाई, इतना अच्छा सर्वाइवल होने वाला है जिसको देख के आप लोग को मजा आएगा। तो है ना, जो भी बंदा अभी तक देख रहा है, तो भाई मैं पहले बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, क्योंकि भूल जाने वाले हो बाद में। सो देखो बेसिकली यहाँ पे स्मोकी वेदर था, एंड मैंने देखा कि जो जोन है ना वो थोड़ी देर में आने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ कि ना थोड़ी देर के लिए इधर वेट कर लेता हूँ, और वेट करके मेरे को पता चल जाने वाला है कि ना इधर जोन कहाँ शिफ्ट होएगा, और जाके मैं डायरेक्ट उसी जोन में जाऊँगा। तो ऐसे ही आप लोग को करना है, मतलब जब आराम आराम से जाना होता है और एज टू एज खेलना होता है, जब भी लाइक एक रियल कॉन्कर लॉबी और एक तरीके से जब टॉप 100 वाली लॉबी होती है ना, तो उसमें एंड मैं आपको एंड में प्रूफ भी देने वाला हूँ कि इसमें टॉप, और हाँ इसमें टॉप 100 का प्लेयर दो चार थे, एस्ट्रोनॉट बाईटी, यूट्यूब चिराग, जो कि एशिया टॉप में रह चुका है, मतलब नंबर वन में रह चुके हैं, तो वो सारे प्लेयर्स भी आए। और आप लोग सामने के साइड देख सकते हो कितनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है। तो मैं ना लाइक मैं देख लिया था कि ये जो जोन है ना ये टोटली ओपन में है, तो मेरे को ऐसा ही कोई ये जो कवर है ना ये ढूंढना पड़ेगा। एंड जैसे मेरे को ये वाला कवर मिल जाता है ना ये घास फूस का, तो मैं इधर वेट करता हूँ और थोड़ी देर इंतजार करूँगा कि मेरे को किल्स वगैरह मिल जाए तो बेटर रहेगा। सो मैं जैसे यहाँ पे आके प्रोन होता हूँ ना, तो मेरे को अभी लाइक ये ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि ना स्मोक था चारों तरफ तो दिक्कत नहीं थी। बस मेरे को इतना पता करना था कि मेरे पीछे कोई बंदा ना हो और लाइक है ना मैं किल्स निकाल सकूं। सो बेसिकली ना यहाँ पे मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा होता हूँ कि किल्स निकल जाए, और मैं किल्स निकालूंगा अभी अभी थोड़ी देर में। अभी के लिए तो मैं ज्यादा फाइट में एंगेज नहीं होता, क्योंकि ना बंदे काफी ज्यादा लाइव थे, आप लोग देख सकते हो लाइव के पास में है, तो काफी ज्यादा लाइव थे, इस वजह से मैं ज्यादा ट्राई नहीं करूंगा, हल्का फुल्का ट्राई करूंगा जिससे कि मेरे को मिल सके। और सामने की साइड आप लोग फायरिंग देख सकते हो, लाइक है ना जहाँ पे जैसे नेट से बंदा मरता है ना, तो मैं जैसे किल फील्ड चेक करता हूँ तो पता चलता है यूट्यूब चिराग है। सो देखो चिराग का तो मेरे को यहाँ पे आके पता चलता है, लेकिन पहले का पता था एस्ट्रोनॉट बाईटी जो टॉप पे था है ना। एंड बेसिकली है ना चारों तरफ मेरे फायरिंग हो रही थी, और मैं ज़्यादा किल्स भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि जो वेदर है ना वो स्मोकी था, तो मेरे को डर भी था कि मेरे आसपास कोई हुआ ना तो पता भी नहीं चलेगा, कोई सांप का बच्चा आराम से हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे ना आप लोग को एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ना आपके पीछे से कोई ना जाए, और उतने में इधर से एक बग्गी निकलती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि ना उस पर किल्स निकाल सकूँ, लेकिन मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा ना तो मेरे को पता नहीं है मेरे पीछे कोई लेटा होगा और मेरे को आराम से ठिला देगा, और इधर ही मेरी पेटी बन जाएगी, माइनस माइनस लग जाएगा, क्योंकि ऐसी लोग उन्हें ना एक थोड़ा बहुत टॉप 10 तो आना ही पड़ता है, वरना तो माइनस लगेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर किल्स भी नहीं है। तो किल्स मेरे को ना अब मिलना चालू होंगे जैसे थोड़ा बहुत ये वेदर हट जाएगा ना। सो जैसे ये धीरे धीरे वेदर हटने की कोशिश करता है ना, वैसे ही मैं अभी किल्स निकालने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे मेरे आगे पीछे से ना चारों तरफ से रोटेशन लिए जा रहे थे, लेकिन मैं आराम से बैठा था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं उठकर मारने की कोशिश करूंगा तो पिट सकता हूँ, चांसेस है कि सामने वाले को मैं मार भी दूँ और वो भी मेरे को मार दे, मतलब उन दोनों को मैं मार के अगर हेल्थ कम हुई मेरी तो पीछे से कोई थर्ड पार्टी कर सकता है। तो इस वजह से ना आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है। उतने में इधर से गाड़ी निकलती है, तो मैं उस पर हल्का सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो गाड़ी निकल जाती है तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते, मैं ओपन में जाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। और उतने में ना वो गाड़ी जाके सामने की साइड भिड़ जाती है जहाँ पे फायरिंग हो जाती है, तो मैं लोग किस तरीके से किल्स निकालता हूँ अभी। तो ये वाले किल को तो आराम से निकाल लिया, उतने में भाई लेफ्ट साइड में ना फायरिंग हो जाती है, मतलब ये जो गाड़ी वाला है ना उधर भिड़ जाता है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ बंदे को मारने की, लेकिन वो दूसरा बंदा उधर मार देता है। और यहाँ पे भाई अब हो जाता है अपने साथ स्कैम,
क्योंकि जोन है इधर से निकल चुका राइट है ना। तो अब भाई मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, बहुत कड़ला हो जाने वाला है। राइट साइड में बंदे काफी सारे हैं तो मेरे पास कवर के नाम पे कुछ भी नहीं है। मेरे लेफ्ट में भी एक बंदा है जिसका भी मेरे को ध्यान रखना है, और भाई वो बंदा ग्रोजा लिए बैठा है तो अपन को आराम से मार सकता है। और वही होता है एशिया का टॉप, मतलब एशिया में कितनी बार बोल चुका हूँ, एशिया टॉप होएगा 40-50 पे ऐसे ही समथिंग है ना। सो है ना, इस बार तो भाई मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि सोलो में काफ़ी ज़्यादा इजी था, लाइक मैं ही पागल था जो भाई मैंने नहीं किया, वरना मैं कर लेता भाई, कसम से भाई कर लेता आराम से। और उतने में सामने की साइड फायर, मतलब जो स्मोक वगैरह हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्यारा सा नेट ट्राई करता हूँ कि ना आराम से कोई बंदा ठिल जाएगा। लेकिन भाई इतना मतलब ये जो नेट है कारगर साबित नहीं होता है क्योंकि उधर कोई बंदा ही नहीं होता। ओके सो उसके बाद मैं सामने की साइड देखता हूँ कि एक गाड़ी आई है, तो भाई ये बंदे की गाड़ी गलती से इधर ठुक जाती है, तो भाई अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है, आराम से अपन ने इसको निपटा दिया। और जैसे इसको निपटाता हूँ तो मैंने जो कपड़े वपड़े ने सारी चीज़ें उतार दी थी, अब मेरे को बैग उतारना था तो उसके लिए थोड़ा बहुत लाइक सामान वामान भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ना उससे पहले एक स्मोक कर लिया जाए लेफ्ट में, ताकि कोई बंदा मेरे पे परफेक्ट नेड नहीं कर सके, क्योंकि लेफ्ट में एक बंदा होता है ऑलरेडी। और फिर है ना मैं थोड़े से एक दो स्मोक इधर करूंगा ताकि है ना जो मैं ना एक पाथ बन जाए उस पाथ के थ्रू जा सकूं। लेकिन मैं यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ, छोटी सी गलती जिसकी वजह से ये वाला चिकन है ना अपने हाथों में नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपने को काफ़ी ज़्यादा प्लस मिल जाता है। और ये वाला जो सर्वाइवल होता है ना काफ़ी अमेजिंग होता है भाई, लिटरली में काफ़ी अमेजिंग होता है। सो अभी और ज़्यादा हार्ड होने वाला, मतलब यहाँ तक मैच जो मैंने सर्वाइव किया ना बहुत ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए है ना। तो अगर आप लोग लाइक वीडियो में ना इतना हार्ड नहीं दिखता है, आपको नॉर्मल दिख रहा होता है, इस वजह से आप लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन जब अपन खेलते हैं ना भाई उस टाइम पे जो पैनिक सिचुएशंस होती है और जो सारी चीजें होती है ना, उस वजह से भाई जो मतलब हार्ट बीट वगैरह इतनी ज्यादा हाई हो जाती है ना भाई, लिटरली में जब आप कॉन्कर पुश करोगे ना, जब आप लोग को पता चलेगा तो किस किस के साथ ये चीजें होती है ना, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बेसिकली ना यहाँ पे जैसे ही मेरे को पता चलता है कि भाई जोन निकल चुका अभी, तो अभी मेरे को स्मोक करनी होगी, तो मैं एक स्मोक करता हूँ लेफ्ट साइड में ताकि बंदे का व्यू ब्लॉक हो सके। लेकिन मैं यहाँ पे गलती कर देता हूँ, मैं स्मोक ना इधर उधर कर देता, मतलब बिखेर बिखेर के। एक्चुअली में मेरे को ना एक पाथ बनाना चाहिए था जो कि मैं नहीं बनाता, और उसकी वजह से अपने साथ इधर कांड होने वाला है, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास जो होती है क्या होती है, गिरोजा। और गिरोजा का मतलब समझ रहे हो ना आप, बस पिटने वाला हूँ मैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे आराम से प्रोन होते हुए जा रहा था, लेकिन मेरे को लेफ्ट में कोई स्पोर्ट नहीं होता। मेरे को डर तो होता है कि लेफ्ट में जो बंदा था वो कहाँ गया, लिटरली मैं कतई वो एक नंबर कतई इस तरीके से धूपा पड़ा ना भाई जिसकी कोई हद नहीं है। और जैसे मैं इधर देखता हूँ भाई एकदम से उठता है वो बंदा, एंड वो अपने को आराम से मार देता है। उसके बाद इस बंदे को भी वो मार देता है। सो इस बंदे को जिसने मारा वो होता है YouTube चिराग। सो बेसिकली अभी लाइक इसका गेम प्ले में क्या दिखाऊं, आराम से ये चिकन डिनर कर लेता है। सो बेसिकली देखो, आई होप गाइस आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वाला गेम प्ले, और सर्वाइवल भी एकदम ओपी था। आई नो कि किल्स कम थे, लेकिन ज़्यादा किल्स वाला गेम प्ले मैं डाल सकता हूँ, लेकिन है ना अभी बेसिकली मैंने आप लोग को इस चीज़ पे फोकस किया कि ना ऐसी लॉबी होती है ना उनमें किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो काफ़ी सारे बंदे हैं ना वो इस तरह की लॉबी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई मैंने आप लोग को कुछ ईजी टिप्स दिए जिनके थ्रू आप लोग सर्वाइव कर सकते हो। तो ऐसी लॉबी में ना आप लोग को किल के नहीं जाना नहीं होता है, इसमें आप लोग को सर्वाइवल के लिए जाना होता है। सो बेसिकली वही चीज़ मैंने की यहाँ पे, और आराम से मैंने किया और मेरे को 21 का प्लस यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, जो नोटिफिकेशन बेल उसको ऑल पे कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड पीस आउट।